सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर कीबोर्ड का रिपीट रेट स्लो हो गया हो तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। विंडोज 10 पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिये, अगर कीबोर्ड का रिपीट रेट स्लो हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ देखिए सर्च ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ हमको टाइप करना है कीबोर्ड। ठीक है, तो जैसे आप कीबोर्ड टाइप करेंगे ऊपर कई सारे ऑप्शन आएंगे, हमको कीबोर्ड पे क्लिक करना है। कीबोर्ड कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे कीबोर्ड प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हमको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड वाला सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिपीट डिले एंड रिपीट रेट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये स्लो पर फिक्स है, इसको हम वापस से यहाँ फास्ट पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर एंड होल्ड डाउन अ की टू टेस्ट रिपीट रेट। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि रिपीट रेट सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं ए पे प्रेस करता हूं और जब मैं इसको प्रेस किए रहता हूं तो आप देखिए इसका रिपीट रेट यहां पे इस तरीके से है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से स्लो कर देता हूं, फिलहाल इसको हटा देते हैं यहां से, अगर मैं इसको वापस से स्लो कर देता हूं तो आप देखिएगा कि रिपीट रेट कैसा रहता है। देखिए मैंने स्लो कर दिया, अब मैं दोबारा जब ए पे प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए ये स्लो हो गया। ठीक है, तो इसको वापस से हम यहां पे फास्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने फास्ट बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया इसको यहां पे। ठीक है, बस उसके बाद यहां पे अप्लाई बटन पे क्लिक करिए, ये अप्लाई हो गया। अब यहां पर ओके पे क्लिक करते ही आपका रिपीट रेट वापस से फास्ट हो जाएगा जो कि पहले स्लो हो गया था। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक बार ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे ए प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए रिपीट रेट इसका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके कीबोर्ड का रिपीट रेट स्लो हो गया हो तो आप ठीक कर सकते हैं।